दयाला है प्रतिपाला, आप कृपा के हैं सागर। पत्थर भी पारस बन जाते आपके चरणों को छूकर। दया धर्म करुणा का वास है आपके मन में स्वामी। तपस्या करके भगवान ब्रह्म ज्ञान को पाया, सकल विश्व में आपने अपने ज्ञान को था फैलाया। क्यों मानव रहता है दुखी, इस सच्चाई को जाना। इस मिथ्या संसार को भगवान आपने ही पहचाना। जनहित के खातिर तुमने राजपाट को त्यागा, चंचल चित को प्रभु आपने अपने योग से साधा। तीनों काल के आप है ज्ञाता, आप है अंतर्यामी। आप धरा पर आए हैं लेकर ईश्वर का अवतार, आप ही सृष्टि के हर प्राणी का जीवन आधार। जीवन के अज्ञान को अपने ज्ञान से तुमने मिटाया, आपने ही सबके जीवन में ज्ञान का दीप जलाया। धर्म की राह चलाकर तुमने ही अधर्म को मिटाया, सत्य का पाठ पढ़ाकर सबको मंजिल तक पहुंचाया। आपकी महिमा गाती है ये देवा सृष्टि सारी। शरण आपके आए हैं हम पर कृपा बरसाओ, चरणों का अमृत दे करके जीवन सफल बनाओ। क्षमा याचना करते हैं प्रभु भूल हमारी भुलाओ, दया निधि हम किसी विधि भी अपनी चरण लगाओ। आपने सबको तारा भगवान हमको भी अब तारो। भक्तों की जीवन नौका को प्रभु जी पार उतारो। ज्ञान का दान हमें भी दे दो हम लोग भी कल कामी। दीन दयाला है प्रतिपाला, आप कृपा के हैं सागर। पत्थर भी पारस बन जाते आपके चरणों को छूकर। दया धर्म करुणा का वास है आपके मन में स्वामी। तपस्या करके भगवान ब्रह्म ज्ञान को पाया, सकल विश्व में आपने अपने ज्ञान को था फैलाया। क्यों मानव
तब रहता है दुखी इस सच्चाई को जाना। इस मिथ्या संसार को भगवान आप नहीं पहचाना। जनहित के खातिर तुमने राजपाट को त्यागा, चंचल चित को प्रभु आपने अपने योग से साधा। तीनों काल के आप है ज्ञाता, आप है अंतर्यामी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आप धरा पर आए हैं लेकर ईश्वर का अवतार। आप ही सृष्टि के हर प्राणी का जीवन आधार। जीवन के अज्ञान को अपने ज्ञान से तुमने मिटाया। आप नहीं सबके जीवन में ज्ञान का दीप जलाया। धर्म की राह चलाकर तुमने ही अधर्म को मिटाया। सत्य का पाठ पढ़ाकर सबको मंजिल तक पहुंचाया। आपकी महिमा गाती है ये देवा सृष्टि सारी। शरण आपके आए हैं हम पर कृपा बरसाओ। चरणों का अमृत दे करके जीवन सफल बनाओ। क्षमा याचना करते हैं प्रभु भूल हमारी भुलाओ। दया निधि हम किसी विधि भी अपनी चरण लगाओ। आपने सबको तारा भगवान हमको भी अब तारो। भक्तों की जीवन नौका को प्रभु जी पार उतारो। ज्ञान का दान हमें भी दे दो हम लोग भी खल कामी। विश्वामित्र थे इनके गुरुजी, जिन्होंने इनको शिक्षा दी थी राजकाज और युद्ध कला की।
शरण में जो भी आया अद्भुत ज्ञान को उसने पाया। जीवन में नहीं वो घबराया, मंजिल तक उसको पहुंचाया। गौतम बुद्ध की कृपा का अमृत जिसे मिला, जीवन के सच्चे सुख का आनंद उसे मिला। एक हंस को तीर लगा था, घायल हंस वो इन्हें मिला था। हंस को अपने हाथ उठाया, अपने हाथ से पानी पिलाया। इनका चचेरा था वो भाई जिसने हंस पे तीर चलाया। देवदत्त था उसका नाम, उसी समय वो वहाँ पे आया। आकर के वो इनसे बोला, घायल हंस के भेद को खोला। मेरा शिकार है मुझको दे दो, घायल हंस को मुझको दे दो। गौतम ने कहा, गलत हुआ है घायल, तुमने इसे किया है। तुमने इस पर तीर चलाया, लेकिन मैंने इसे बचाया। बात तुम्हारी भाई गलत है, इस पर ज्यादा मेरा हक है। कष्ट दिया है इसको तुमने, जीवन दान दिया है मैंने। मारने वाला बड़ा न होता, बचाने वाला होता बड़ा है। जानता ये तो जग सारा है, दर्द सही नहीं भाई तुम्हारा। पिता के पास जो बात ये आई, गौतम ने बोली सच्चाई। पिता ने भी यही तर्क दिया है, बचाने वाला होता बड़ा है। 16 वर्ष की आयु में ही विवाह हुआ था यशोधरा से। आनंद में था सारा जीवन, कोई न थी जीवन में उलझन। विवाह जीवन में मन ना लागा, मन में वैराग इनके जागा। मन अशांत रहता था इनका, मान लिया तब कहना मन का। शांति की तब खोज में गौतम, अपनी ही तब सोच में गौतम। त्याग के सारे राजपाठ को, जल्दी तपस्या करने गौतम। शांति की तब खोज में चल दिए प्रभु महान। कैसे होगा हर दुख का समझने वो समाधान। घर को 7 दिनों तक अनुपीय नामक ग्राम में बैठे। मगध की राजधानी की ओर गुरु की खोज में गौतम चल दिए, लेकिन मन में चैन न पाया। अंत में निर्णय स्वयं बनाया, घोर तपस्या लगे वो करने, लेकिन चैन न आया मन में। काया जर जर उनकी हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। घूमते घूमते फिर वो पहुँचे फल्गुन नदी के तट पे। वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए स्थिर भाव से नीचे। और तपस्या लगे वो करने, ज्ञान का मंथन करने मन में। कई वर्षों तक ध्यान लगाया, प्रभु से अपने मन को मिलाया। समाधिस्थ के बाद जो उनकी खुली ज्ञान अमृत पाया। वैशाख पूर्णिमा का वो दिन था, इनको ज्ञान मिला था सच्चा। ज्ञान की खोज में भटक रहे जो महात्मा गौतम बुद्ध कहलाए। सारे जग में ज्ञान फैलाया, ज्ञान का अद्भुत दीप जलाया। अंधियारा जीवन का मिटाया, क्या है सच्चा सुख ये बताया। जग को 10 उपदेश दिए हैं, जीने के निर्देश दिए थे। सत्य झूठ के धर्म को जानो, क्या है सच्चाई पहचानो।
चाहे युद्ध कर लो, अपने मन को पहले जीतो, मन जीता तो सब जग जीता। सच्चाई है सच को जानो, सूर्य चंद्र और सत्य न छुपते, इनके आगे असत्य टिकते। सच्चा सुख पाना है तो बुद्ध शरण में आओ, मिथ्या जग में खुद को तुम ऐसे ना भटकाओ। जीवन का हर एक सुख पाते, मुश्किल से नहीं वो घबराते, अंधियारे सारे मिट जाते, जो भी इनकी शरण में आते। इनकी शरण कभी ना छोड़ो, मिथ्या जग से नाता तोड़ो, छोड़ दो इन पर ही सब कुछ, मिट जाएगा सारा ही दुख। ये दुनिया है दुख का मेला, इस मेले में बहुत झमेला, दूर हर एक दुख उसका होगा जो इन पर विश्वास करेगा। सत्य की सबको सीख सिखाई, सच्चाई सबको बतलाई, झूठा है सारा संसार, इनकी महिमा अपरंपार। काम क्रोध मद मोह को त्यागो, आलस की इस नींद से जागो, ज्ञान के चक्षु अपने खोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि बोलो। भक्तों पर सदा दया लुटाते, उनकी सारी पीड़ा मिटाते, जीवन में आनंद मनाते, बुद्ध देव की दया जो पाते। हमको अपनी शरण में रखना, चरणों से कभी दूर मूर्ख है हम अज्ञानी, हाथ हमारे सर पर रखना। आप तो भगवन ज्ञान का सागर, जीवन हमारा मैली चादर, ज्ञान से इसका मैल छुड़ाओ, ज्ञान का अमृत रस बरसाओ। पाप सभी उसके मिट जाते, जो भी आपके नाम को ध्याते, आपके चरणों की रज छूकर पत्थर भी पारस बन जाते। आप सकल सृष्टि के ज्ञाता, भक्तों के हैं भाग्य विधाता, शर्मा